महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के मोदी गली क्षेत्र में स्थित कलकलेश्वर महादेव 84 महादेवों में 18वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह के पश्चात एक बार पार्वती मंडप में मातृकाओं के साथ बैठी थी। उनके मध्य वे कृष्ण वर्ण सी दिख रही थी। भगवान शंकर ने तब उन्हें कहा, हे महाकाली, तुम आकर मेरे वामंग बैठो। मेरे पास बैठने पर तुम ऐसी सुंदर दिखोगी जैसे सफ़ेद चंदन के वृक्ष के पास कोई भुजंगी हो। इस पर पार्वती जी रुष्ट हो गई। उन्होंने कहा, आपने जब नारद जी को मेरे पिता के पास मुझसे विवाह करने की प्रार्थना के लिए भेजा था, तब क्या मेरा रूप नहीं देखा था? आप स्वयं अघोरी, शमशानवासी और कपाली हो, जरा अपना रूप तो दर्पण में देखो। इस प्रकार शिव और पार्वती में भयंकर बोलचाल हो गई। इस कोलाहल से त्रिलोक कांप उठे। इस कोलाहल से भूमि में एक लिंग उत्पन्न हुआ। लिंग के मध्य से आवाज आई। उसने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कलकलेश्वर के पूजन से घर में कलह नहीं होती है। चतुर्दशी को इसका पूजन करने से इस लोक और परलोक में कल्याण होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।